क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम टेस्ट शानदार मौके पर है। पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया तो दूसरी पारी में भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और खूब रन बनाए। अब दूसरी पारी में भी शतक बनाने वाले रोहित शर्मा ने मैदान में ही चेतेश्वर पुजारा को गंदी गाली दे दी, जिसके बाद बवाल हो गया। तो क्या कहा रोहित ने पुजारा को, वो आपको दिखाते हैं। साथ ही अंत में आपको रोहित की ही आवाज वाला वो पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। आप भी रोहित को लेकर कमेंट जरूर करें। तो रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा दूसरी पारी में टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट गिरने के बाद आगे बढ़ा रहे थे। रोहित शर्मा तेजी से रन बना रहे थे जबकि पुजारा बेहद धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। पुजारा 60 बॉल में सिर्फ 7 रन बनाकर खेल रहे थे और दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा पुजारा की बैटिंग देखकर फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, क्योंकि टीम इंडिया को यहां तेजी से रन बनाने थे और टारगेट सेट करना था। लेकिन पुजारा एक बार स्ट्राइक पर आ गए तो फिर रोहित को स्ट्राइक ही नहीं दे रहे थे और ऐसे में पुजारा ने एक शॉट मारा और रोहित रन के लिए दौड़ पड़े। अब रोहित शर्मा हर हाल में स्ट्राइक चाहते थे और इसीलिए रन के लिए दौड़े, लेकिन पुजारा ने रोहित को रन लेने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, रोहित का पारा चढ़ गया। रोहित ने भरे मैदान में पुजारा को गाली दे दी और गाली देते हुए कहा कि भाग पूजी। अब रोहित की आवाज स्टंप माइक में कैद हो गई और उसके बाद वायरल भी हो गई। हालांकि दिलचस्प बात इसके बाद ये जरूर हुई कि तब तक बेहद धीमा खेल रहे पुजारा इस घटना के बाद बेहद तेजी से रन बनाने लगे और पुजारा ने ताबड़तोड़ चौके और यहां तक कि छक्का भी लगाया। करीब 130 के स्ट्राइक से इसके बाद पुजारा ने रन बनाए। तो आपको भी रोहित शर्मा की असली आवाज के साथ वो पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और हां, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।